जय हिंद नमस्कार मेरे शेर सैन्य लाडो डाडियो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी फिजिकल पर तो दोस्तों आप सब ने देखा होगा वायरल बॉय वायरल गर्ल होती है आज बॉय वायरल हो रखा है ये और मैं बताऊं कि हमने साथ में पंद्रह वीडियो बनाए पंद्रह का पंद्रह वीडियो ओनली इन बीस दिन में बनाए पहले हम वीडियो नहीं बना रहे थे फिजिकल तो इसका लगभग साठ सत्तर दिन से चल रहा है लेकिन वीडियो हमने पंद्रह दिन पहले ही बनाना शुरू किए इसके और पंद्रह वीडियो भी तक तो हमने बनाए हैं पंद्रह के पंद्रह वीडियो एक भी वीडियो यानी कम से कम वीडियो भी जिसकी व्यूजिंग है वो है दो मिलियन ठीक है सबसे कम वाले व्यूज है दो मिलियन इससे ऊपर है टोटल के टोटल वीडियो और तो तब से बहुत सारे गलत कमेंट भी आ रहे हैं ठीक है कि इसको खाना मत दो इसको कपड़े पहना के रखो हैं इसका कुछ नहीं होना या आर्मी में क्या जाना नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा थे धीरे 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 उनको हमने जवाब दे दिया क्योंकि इसका जो पहला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें इसकी वेट देखोगे अभी की जो साइज़ देखोगे ना उसमें रात और दिन का अंतर है कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए बुला रखा है ठीक है तो पहले इसके बारे में परिचय दे देता हूँ आपको कब आया था किस लिए आया था किस तैयारी करता है और कितना फर्क पड़ा है फिजिकल में फिर आप अपनी एडवाइस बाद में रखना आपके कमेंट की कुछ नहीं होना मोटू राम और कोई बोलता है इसको खाना ही मत दो कोई बोलता है पहले खाया ही क्यों और देखिए जिसकी परिस्थितियाँ खाया क्यों खाया नहीं खाया वेट है ना ये सिर्फ खाने से ही नहीं बढ़ता है कईयों के शुरू से ही बढ़ता रहता है जो नहीं खाता ना उसका भी बढ़ जाता है कई बार वेट केवल खाने से नहीं बढ़ता है ये जंक फूड खाने से बचपन में इतना पता नहीं होता है इतना ज्ञान नहीं होता है कि आगे चल के हमको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ठीक है तो किसी इंसान को आप डिमोटिवेट करने से पहले आप ये सीधा वीडियो देखते थे तो उनमें ये देखिए ना इसकी मेहनत कितनी है जो वीडियो जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वही एक्सरसाइज इतने बड़े शरीर के साथ करता है तो वो सोचिए ना और ये नहीं देखते कि 107 केजी मैंने बताया था तो कहीं को ऐसा लगा कि 107 केजी का था क्या है तेरी फोटो देना ये फोटो लगाऊंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट पे 107 केजी का नहीं 112 केजी बारह का था ये शुरुआत में और फोटो दे के पता चल जाएगा फोटो में आएगा नहीं उसमें इसकी फ्रेम इतने था था है एक सौ केजी और फिर एक तो सौ सात से प्लस था जो मेरे पास में आया था सौ सात का था ये उससे पहले मतलब लॉकडाउन में थोड़ा बहुत रनिंग वर्निंग करके इसने दो चार के लिए कम कर लिया था जब मेरे पास में आया था ये सौ मीटर में जैसे गद्दा है ना ऐसे हाँ रहा था और अभी पिछले संडे पिछले सैटरडे इसने टेन किलोमीटर रनिंग किए बिना रुके करिए ना टेन किलोमीटर टेन किलोमीटर बिना रुके इतने वजन के साथ और जब पहली बार आया था तो सो मीटर रनिंग नहीं कर पाया इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए यार आप जैसे आप अगर नेगेटिव बोलो बोलते रहो ये भी कमेंट पड़ता है मैं भी पढ़ लेता हूँ मैं कम पढ़ता हूँ लेकिन ये तो पढ़ता है क्योंकि इसका वीडियो है तो जो इसको पॉजिटिव वाइब देते हैं तो अच्छा लगता है आगे बोलता है कि सर ये देखो इसने ऐसा बोला है इसने ऐसा बोला है कुछ कमेंट कनाडा से कम से कम बीस से ज़्यादा कनाडा से कॉल आ चुकी है मेरे पास अब तक और उतने कमेंट आ चुके हैं कनाडा से भी इसकी वीडियो पर उस पर अब बताओ भाई क्या नाम पहले मेरा नाम प्रीत गिला है कहाँ से यूपी से रहने वाला हूँ यूपी, यूपी में कहाँ से अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद मंडल है और कब आया था मैं आया था सर सत्ताईस अगस्त को सताइस अगस्त को ये आया था ठीक है मैं बुलाया तो नहीं था तेरे को नहीं नहीं सर मैं इसको नहीं जानता था भाई मैं यहाँ पे वेट लॉस करने आया था सर के पास और सर की मोटिवेशन वीडियो देख के यहाँ पे आया था कि सर आर्मी के मैंने मेरा वेट लॉस करा देंगे घर पे मैंने काफ़ी मेहनत करी थी और इतना नहीं हो पा रहा था मुझसे कि मैं मतलब इतना रनिंग कर पाता था घर पे भी आधा किलोमीटर तो दौड़ लिया सांस फूल गया रुक गया और घर पे क्या घर पे नहीं कर पाते क्योंकि मम्मी कहती शाम को खाना खा ले ये कर ले वो कर ले सर नहीं कहते खा ले सर नहीं <laughs> कहते खा ले सर कहते हैं सर पूरी मतलब डाइट फॉलो कराते हैं आप कहते हो रोटी बंद कर दे तो फिर जीगे खाए पे रोटी बंद कर दे रोटी नहीं मैंने इसको बोल रखा है की जो चीज़ नहीं खानी है उसकी जगह क्या खाना है वो बता रखा है उतनी एनर्जी की चीज खानी नहीं तो इतना बड़ा शरीर चलेगा नहीं ठीक है और इसके है ना बहुत सारे बच्चे बोले कि इधर दिखा भाई इसका तो वेट कम हुआ ना उसके प्रूफ है ये निशान ये ना निशान इसके वेट कम के प्रूफ है इस जो तो चमड़ी घटी है ना ये निशान उसके प्रूफ है घूम बेटा ये देख हाथ ऊपर उठा ये प्रूफ है जो इसका वेट कम हुआ ना उसके जब इंसान का वेट टूटता है ना ये चमड़ी बहुत सारे बच्चे बोले सर इसकी फिर तो स्किन लटक जाएगी उसकी चिंता मत करो स्किन भी नहीं लटकेगी इसकी वेट की एक्सरसाइज होगी लेकिन वो तब होगी जब ये जो मेरा शेड्यूल जितना बना रखा है जब ये एट्टी के के आसपास आएगा अभी मैं अगर इसको वेट की एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया तो इसको खाना पड़ेगा और खाएगा तो वेट कम नहीं होगा ठीक है खाने में तो इसको चीज़ें फॉलो कराते हैं जैसे सुबह नींबू पानी के साथ में शहद मिला के हल्का गर्म पानी उबला हुआ पानी ठीक है उबला हुआ ही इसको सलाह दिया जाता है ये अपनी इच्छा से भी कुछ खाता है कुछ अकेडमी से भी जो मिलता है साथ में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं खाने के बारे में स्वतंत्र है हमारा हर एक बच्चा स्वतंत्र है लेकिन ये वेट कम करने है ना बेटा ऐसे रिजल्ट नहीं होता आज लगभग इसका बीस के जी वजन कम है बीस के जी केजी कम है पूरा बीस के जी पूरा बीस के जी कम है और ये अब तक लगभग साठ से पैंसठ दिन में है जिसमें से दो बार छुट्टी चला गया घर पर ठीक है और नहीं तो अब तक झाड़ देते हैं इसको पूरा और ये भी नहीं कि जान फूकते हैं मोहब्बत से होता है काम ठीक है तो ये प्रूफ है ये जो चमड़ी है ना और आज ये वीडियो आज और बना रहा हूँ एक महीने बाद में देख लेना अगर इसका दस के जी वेट कम नहीं हो गया तो बता देना कांटे पे तुल के बता दूंगा अभी वीडियो में तो उस दिन और बता देंगे नहीं तो आप देख ही रहे हो रोज वीडियो तो उनमें आप अगर असर नहीं देखो मैं बोल रहा हूँ कि सो मीटर नहीं चल पाता था ये चल नहीं पाता था दौड़ना तो दूर की बात है बिल्कुल नहीं चल पाता था घर पे नहीं चल पाता था की सीढ़ियाँ हमारी दस उसको चढ़ने में सांस फूल गया था जब ये पहली बार आया था केडमी के ऑफिस में तब सही बात है ना सर ने बहुत मोटिवेट करा था यहाँ जब मैं यहाँ पे आया था आया तो सिर्फ देखने के लिए था पर सर ने बहुत मोटिवेट करा मन भी लगा यहाँ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा सर का और रहना खाना सब सर का मतलब फ्रेंडली था बच मतलब एक जैसे पेरेंट्स रहते हैं इस तरीके से था और आज सर की साथ सर के साथ मेहनत करते हैं तो आज ये नतीजा है कि ट्वेंटी के 20 केजी वेट कम हो चुका है पहले से इसके पेरेंट्स भी इसके घर परिवार इसके यार दोस्त तो सब खुश है ये भी खुश है लेकिन जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनको मैं बताऊँ कि वेट बढ़ना ना बढ़ना ये बचपन की बात है बचपन में बच्चा खा लेता ज़्यादा तब की बात है इसकी एज ज़्यादा नहीं है कितनी एज है भाई नाइनटीन नाइनटीन केवल उन्नीस साल का है यानी नहीं चौदह पंद्रह सोलह साल की उम्र में इसने ज़्यादा मतलब ये जंक फूड से ज़्यादा खा लिए थे और हर एक बच्चा इस उम्र में रहता है गाँव वालों को छोड़ के गाँव वालों को तो मिलते नहीं पंगा ये है अब ये सिटी में रहता तो हो गया लेकिन जो आपको ये चमड़ी दिख रही है ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसके बारे में कमेंट करते चमड़ी वाले अरे डेढ़ साल के बेच में है गारंटी बेच में जिस दिन डेढ़ साल बाद में जाएगा ना तो इसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर से कम ना दिखेगा इसकी गारंटी है मेरी ठीक है अभी इसने सही रूप से मेरे साथ में अगर ट्रेनिंग की है तो लगभग पैंतालीस दिन पैंतालीस और पैंतालीस से भी कम हुआ होगा क्योंकि बीच में जब शुरुआत में रनिंग करता था ना तो इसके मतलब यहाँ पर इतना दर्द होता था क्योंकि वजन इतना ज़्यादा था शरीर में लेकिन अब पूरा का पूरा वजन अब इसके पैर में वेर में कोई दर्द नहीं होता, होता। ठीक है तो वजन कम कर लेगा लग कर लेगा फ्री बिल्कुल सर दो महीने बाद पूरा ऐसा मिलूंगा स्लिम जितने ये कमेंट करते हैं सबको फेल देखो कमेंट आपके जो कमेंट है ना वो हिम्मत बढ़ाते वैसे मैं इसको बोलता हूँ कोई गलत कमेंट करता है ना मैंने कहा बेटा हम काम से जवाब देंगे इसे क्या जवाब एक दो बार कमेंट का वापस रिप्लाई कर दिया था इसने तो मैंने इसको बोला था कि रिप्लाई हम काम से करेंगे रिप्लाई ऐसे नहीं करनी है रिप्लाई हम काम से करेंगे वेट कर पच्चीस दिन चालीस दिन पचास दिन जब फोटो लगाएंगे ना फिर फ्रेम में बढ़िया से आएगी ठीक है तो और इसकी धीरे 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 ये खुद देखो इंसान ने सबसे ज़्यादा जरूरी होता है खुद का खुश होना तो अब इसको खुद को लगने लग गया क्योंकि 20 के जी वेट कम कर लिया अब इसको लगता है ये अपना शरीर साठ के का भी कर सकता है इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल जब तो इंसान में इतनी हिम्मत आ जाती है ना तो साठ के का भी अरे अभी ग्राउंड में सेवा कर रहा है अभी आर्मी ग्राउंड बन रहा है हमारा ये रनिंग के लिए तो उसके पानी चला रहा है कल से ये ट्रेक हम बनाएंगे इस पर चलने वाला बोल्डर जो इसीलिए आया हुआ ही पानी चला रहा उधर खेती का काम भी कर रहा है ठीक है तो

फालतू तो की बात नहीं है ये हंड्रेड परसेंट है प्रूफ के साथ अगर वीडियो बना रहे हैं ना दिखा रहे हैं और अगले वीडियो समस्या ये है कि कमेंट ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जिनको एलर्जी वीडियो चलने से है पंगा वो है क्योंकि हमने पंद्रह वीडियो बनाए हैं और अगर पंद्रह वीडियो के टोटल अगर व्यूज काउंट करेंगे तो लगभग पचास मिलियन व्यूज है यानी पंद्रह दिन में हमारा हर वीडियो हर तीसरे दिन तक मिलियन क्रोश कर रहा है हर वीडियो उसमें बात यह है कि हमारा कंटेंट जो ओरिजिनल इसको बता दें ऐसी भी कोई एक्सरसाइज नहीं होती इसका वही वीडियो बनाता हूँ जो इसको एक्सरसाइज कराता हूँ मैं वीडियो के लिए भले ही उसकी लोकेशन में चेंज करता हूँ बाकी वो एक्सरसाइज सुबह सुबह इसको हर रोज़ कराता हूँ शाम को कराता हूँ जब भी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइजें होती, होती है होती है बिल्कुल ठीक है ऐसा है, नहीं कि केवल वीडियो बनाने के लिए कराता हूँ वीडियो में बाद में बनाता हूँ जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है फिर आप वीडियो बनाते हैं तो उनमें से कुछ एक्सरसाइज का और किसी की कॉपी नहीं करते बिल्कुल हमारी कॉपी करते हैं लोग भाग हमारी कॉपी करते हैं लोग बाग ठीक है क्योंकि भाई हमने जो ट्रेनिंग की है वो ऐसी खतरनाक की है कि शरीर का अंग अंग खोल देंगे और ये प्रूव के लिए अच्छा ये हाँ ये बात हो सकती है कि अच्छा मिल गया मेरे को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ताकि मैं काबिलियत दिखा सकूँ इस कर ये प्रूव रहेगा मेरी अकेडमी के लिए हमेशा तो इसकी जिस दिन आया उस दिन की एडमिशन वाली पिक और जिस दिन जाएगा उस दिन वाली फिटनेस वाली पिक दोनों लगा के रखूँगा अकेडमी में कि ये देखो जी बच्चा इतने के जी का आया था और इतना के जी करके भेजा ठीक है कर लेगा प्रीत कम बिल्कुल सर बिल्कुल गारंटी है इस चीज की तो हाँ कमेंट करने वालों बोल दे नेगेटिव कमेंट करने वालों को बोलो वक्त आने दे ये आसमां बता देंगे तुझे वक्त आने दे ये आसमां बता देंगे तुझे अभी क्या बताए क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है जय हिंद